हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू पहल एकेडमी पहल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मैं सुमन सहारन यहाँ हमारी राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की जो आर की टेंथ क्लास की बुक है वो हम पढ़ रहे हैं इसमें देखो आर जैसे आर एस प्रीलियम एग्जाम हो या भी जो लेटेस्ट आया है फर्स्ट ग्रेड का जो राजस्थान आर्ट कल्चर हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी सिलेबस आया है वो सब ये बुक कवर कर रही है आपका तो हमने प्राग ऐतिहासिक काल में राजस्थान पढ़ लिया था कंटिन्यू वो जो चीज़ें हैं वो हम पढ़ते आ रहे हैं आज हम अध्ययन करेंगे साकम्बरी के जो चौहान वंश है वो साकम्बरी में चौहान वंश था उसकी क्या स्थिति थी रणथम्बोर के चौहान या फिर जालोर के चौहान वो सब पढ़ेंगे ठीक है चलो करते हैं आज की क्लास हम स्टार्ट साकम्बरी का चौहान वंश इस वंश के प्रतापी शासक इस साकम्बरी के चौहान वंश इनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी ये सब दे रखा है ये हर में जैसे मारवाड़ का जो कल हमने पढ़ा था जो जोधपुर के मारवाड़ वंश था उसकी उत्पत्ति कैसे हुई ये सब पढ़ने की हमको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है मुझे नहीं लगता कि कहीं भी फैक्ट है ये सवाल आपके आते भी होंगे एक बार बस हम इसको देख लेते हैं अच्छे से इस चौहान वंश की उत्पत्ति के विषय में बहुत विवाद है वंसावरियों ख्यातों ने इसको अग्निवंश माना है डॉक्टर गौरीशंकर शंकर हीराचंद ओझा के विचार से ये सूर्य वंश क्षत्रिय थे बाई चांस आ जाइए कि जब चौहान वंश था सातंबरी के चौहान वंश थे, उसको सूर्यवंश किसने माना है तो कौन से विद्वान ने माना है डॉक्टर गौरीशंकर ओझा सर ने ठीक है और अचलेश्वर मंदिर के लेख में इनको चंद्रवंशी माना है और चंद्रवंशी किसने माना है जो अचलेश्वर मंदिर के लेख है वहां उसमें चंद्रवंशी माना गया है कई ने विदेशी हैं हैं इन सभी मतों का विवेचन करते हुए शर्मा चौहानों की उत्पत्ति इतना सभी करने की नहीं। मैं थोड़ा सा ध्यान दसर माना है।, ये है अगली वाली लाइन देखो बिजोलिया शिला लेख के अनुसार सांबर झील का प्रवर्ता वासुदेव चौहान था तो वासुदेव चौहान या चौहानों का आदि पुरुष किसे माना जाता है तो वासुदेव चौहान को नंबर एक तो ये याद रखो कि चौहान निम्न में चौहानों का आदि पुरुष है या चौहान वंश है उसका प्रवर्तक किसे माना जाता है तो वासुदेव चौहान को किसके अनुसार तो बिजोलिया शिला लेख के अनुसार सांबर झील का प्रवर्तक वासुदेव चौहान को किस अभिलेख के अनुसार तो <coughs> माना जाता है बिजोलिया शिला के अनुसार जिसका समय था दोस्तों पाँच इक्यावन ईस्वी के लगभग माना जाता है प्रारंभ में चौहान गुर्जर प्रतिहारों के सामन थे वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों कि निम्न में से चौहान प्रारंभ में किसके सामंत थे तो गुर्जर प्रतिहार थे उनके सामंत थे जो गुर्जर प्रतिहारों के सामंत कौन थे चौहान किसके सामंत थे गुर्जर प्रतिहार गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे याद रखना है परंतु गुवक प्रथम ने गुवक प्रथम था गुर्जर प्रतिहारों की अधीनता से चौहानों को मुक्त करवाया तो निम्न में किसने सर्वप्रथम गुर्जर प्रतिहारों से चौहानों को मुक्त करवाया तो ये सवाल आ जाए तो उसका राइट आंसर होगा आपका गुवक प्रथम गुवक प्रथम ने सर्वप्रथम गुवक फर्स्ट थे उन्होंने सर्वप्रथम गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे उन सामंतों से चौहानों को स्वतंत्र करा दिया इसी का वंशज इसी का वंशज सामंत सांबर का शासक था जो वश गोत्रीय ब्राह्मण वंश में पैदा हुआ था वाकपति राज चौहान का शक्तिशाली शासक हुआ जिसने प्रतिहारों को परास्त कर अपनी शक्ति का परिचय दिया विग्रह राजद्वितीय चौहानों का एक अन्य शक्तिशाली शासक था नौ सौ का हर्षनाथ लेख उसकी विजयों का उल्लेख करता है तो बाई चांस आ जाए कि हर्षनाथ लेख निम्न में किस चौहान शासक है उसकी विजय का उल्लेख करता है ये सवाल आ जाए तो विग्रहराज द्वितीय जो विघ्रहराज द्वितीय चौहान शासक थे उसकी विजयों का उल्लेख कौन सा लेख करता है हर्षनाथ लेख करता है ठीक है उसने गुजरात के जो चालुक्य शासक मूलराज को परास्त किया विग्रहराज द्वितीय के बाद दुर्लभ राज और गोविंद तृतीय शासक हुए पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ किसका है जयानक का पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है जयानक की पृथ्वी राज पृथ्वीराज तृतीय की दरबारी कवि थे आगे पढ़ेंगे अच्छे से पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में गोविंद तृतीय की राज उपाधि वेरी घट यानी शत्रु संहारक मिलती है तो यहाँ तो ये सवाल आ जाए कि पृथ्वीराज विजय के अनुसार घट की उपाधि किसे मिली तो एक तो ये गोविंद गोविंद तृतीय लगा देना यांग गोविंद तृतीय की उपाधि वेरी घट का उल्लेख निम्न में किस ग्रंथ में मिलता है तो वो बता देना पृथ्वीराज तृतीय तो जो पृथ्वीराज विजय नामक जानक की रचना है उसमें गोविंद तृतीय की उपाधि वेरी घट मिलती है फ्रिस्ता के अनुसार गोविंद तृतीय ने गजनी के शासक को मारवाड़ में आगे बढ़ने से रोका बस यही इंपॉर्टेंट है इसमें आपका कि चौहानों का प्रवर्तक निम्न में कौन है तो वासुदेव चौहान चौहानों का प्रवर्तक है किसके अनुसार बिजोलिया शिला के अनुसार उनका समय क्या है पाँच सौ इक्यावन ईस्वी है प्रारंभ में चौहान किन के सामर्थ थे गुर्जर प्रतिहारों के सामर्थ थे गुर्जर प्रतिहारों से सर्वप्रथम किसने चौहानों को मुक्त करवाया तो गुवक प्रथम ने करवाया और उसके बाद हर्षनाथ लेख है उसमें किस चौहान शासक की विजयों का उल्लेख मिलता है तो वो है आपका विग्रह द्वितीय और पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में चौहान शासक गोविंद तृतीय को किस उपाधि से विभूषित बताया गया है तो वेरी नामक उपाधि से ठीक है इसमें खाली आपके इतने ही सवाल बनते आगे देखते अजय राज चौहान शासक था जिसका काल था 1105 से 1133 सौ तैतीस ईस्वी अजय राज जो 1105 सौ ईस्वी में शासक बना इस वंश का एक प्रतापी शासक था 1113 में इसने अजय मेरू या अजमेर नगर बसाया ये सवाल आएगा दोस्तों आपको कि अजय मेरू अजमेर नगर तो आपको सबको पता है कि अपने नाम पे अजय राज ने बसा दिया पर कब अजय राज ने अजय मेरू या अजमेर नगर की स्थापना कब की तो आपको याद होना चाहिए ग्यारह सो ईस्वी में ठीक है ग्यारह सो तेरह ईस्वी में अजय राज ने अजय मेरू नगर बसाया ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है चांदी वेताम्बे किसी के चलाई जो अजय प्रिय द्रम्भ कहलाते हैं तो अजय प्रिय द्रम्भ नामक चांदी या तांबे के सिक्के निम निम्न में किस चौहान शासक ने चलाई तो वो थे अजयराज ठीक है कुछ मुद्राओं पर इसकी रानी सोमलवती का नाम भी अंकित मिलता है अजयराज राज सेव मतावलंबी होने के साथ साथ एक धर्म श्रेष्णु शासक था उसने जैन और बौद्ध धर्मावलंबी जो वैष्णव धर्मावलंबियों को सम्मान की दृष्टि से देखा नए में जैन धर्मावलंबियों को मंदिर बनाने की अनुमति दी पांच रोनाथ के मंदिर के लिए स्वर्ण कलश प्रदान किया तो सिंपल इसमें ये दिखा इस लाइन में ये दिखाने की कोशिश की है कि अजय राज थे जो चौहान शासक थे वो एक धर्म सिष्णु शासक थे तो एक लाइन आ जाए कि चौहान शासक कथन है अजय राज है वो धर्म शिष्णु शासक थे तो कारण उसका बता दे कि उसने जैन वैष्णव धर्मालंबियों के साथ जैन जो जैन और वैष्णव धर्मालंबियों के लिए मंदिर बनवाने की अनुमति दी थी तो ये आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगा ठीक है दोस्तों ये हो गया आपका अजय राज आजय राज के बाद अगला शासक है अर्णो राज अर्णो राज ने इनका काल ग्यारह सौ तैतीस से ग्यारह सौ पचपन ईस्वी है अर्णो राज ने तुर्कों एवं मालवा के शासकों को परास्त किया मगर गुजरात के शासक कुमारपाल मारपाल चालुके से परास्त हुआ इसने अजमेर में आना सागर झील पुष्कर में वराहा मंदिर का निर्माण करवाया वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों कि निम्न में किसने आना सागर झील का निर्माण करवाया तो अर्णो राज ने अर्णो राज ने आना सागर झील का निर्माण करवाया था और कहा करवाया ये भी सवाल आ सकता है तो अजमेर में ठीक है पुष्कर में व्राह मंदिर का निर्माण में किस शासक ने करवाया था तो कर तो पुष्कर में, आपको पता होना चाहिए अरुणोराज ने ने पुष्कर में व्रहा मंदिर का निर्माण करवाया इसके अलावा अजमेर में आना सागर झील का निर्माण करवाया अरुणोराज सेव था किंतु उसने अन्य धर्मावलंबियों के प्रति भी सहिष्णुता की नीति अपनाई ठीक है अजमेर में खर खरत ग्छ के अनुयायियों के लिए भूमि दान दिया देखो ये सवाल आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है कि निम्न में किस चौहान शासक ने अजमेर में खरतगछ के अनुयायियों के लिए भूमि दान प्रदान की थी तो बोर्ड में क्लियर लाइन दी हुई है कि अरणो राज ने अजमेर में जो खरतग्छ ये अनुयायी थे इनके लिए भूमि दान दिया था बोध और धर्म बोध उसके समय के प्रकांड विद्वान थे तो निम्न में कौन सा चौहान शासक था जिसकी राज्यसभा में देवबोध और धर्म घोष नामक प्रकांड विद्वान रहते थे तो याद होना चाहिए दोस्तों आपको अरणु राज थे ठीक है जिसको उसने सम्मानित किया वैसे तो चालू क्योंकि हाथों प्राज्य से उसको कुछ मान आनी उठानी पड़ी थी फिर भी गजनवियों को परास्त कर मालो और हरियाणा अभियानों का नेतृत्व कर उसने अपने वंश के प्रभुत्व को नहीं कर दिया कोई इंपॉर्टेंट नहीं है बस वही थी वो फैक्ट याद रखना आप ठीक है चलते हैं आगे विग्रहराज चतुर्थ विग्रहराज चतुर्थ चौहानों वेरी इंपॉर्टेंट है इसको अच्छे से पढ़ेंगे हम ग्यारह से ग्यारह सौ ईस्वी इनका टाइमलाइन है ग्यारह से ग्यारह सौ त्रेसठ ईस्वी विग्रहराज ने तोमरों को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार किया तो पहला सवाल तो ये बन गया आपका कि निम्न में कौन सा ये चौहान शासक था जिसने दिल्ली के तोमरों को सर्वप्रथम पराजित किया तो वो थे आपके विग्रहराज चतुर्थ ठीक है यह दिल्ली प्रधिकार करने वाला पहला चौहान शासक था ये हमने पढ़ लिया अच्छे से इसने गजनी के खुस रूसहा को भी परास्त किया जनक बटने से कवि बांधव की उपाधि दी मेरी इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों कि विग्रहराज चतुर्थ को निम्न में से किस कवि ने कवि बांधव की उपाधि दी कवि बांधव यानी कवियों का बंधुत्व रखने वाला कवि बांधव की उपाधि किसने दी विग्रह राज चतुर्थ को विग्रह राज विग्रह राज चतुर्थ कोई बंधु की उपाधि निम्न में किस कवि द्वारा दी गई दोस्तों आपका जयानक भट्ट ठीक है ओके विग्रहराज ने हरि केली और उसके दरबारी विद्वान सोमदेव ने ललित विग्रहराज नाटक की रचना की वेरी इंपॉर्टेंट सवाल कि हरि केली नाटक की रचना नाट निम्न में किसके द्वारा की गई थी या फिर विग्रहराज चतुर्थ ने निम्न में किस नाटक की रचना की थी ये सवाल आ सकता है तो हरी केली नाटक की रचना की थी हरी केली ठीक है और उसके दरबारी विद्वान कौन थे सोमदेव तो सोमदेव जिन्होंने विग्रहराज ये फेमस थे जिन्होंने ललित विग्रहराज नाटक की रचना की थी निम्न में किसकी दरबारी कवि थे तो विग्रह राज चतुर्थ के दरबारी कवि थे दोस्तों ठीक है ललित विग्रह राज की रचना की थी सोमदेव ने विग्रह राज खुद लिखा था उसकी पंक्तियां खुदवाई फिर इसी जो संस्कृत पाठशाला जो अजमेर में विग्रह राज चतुर्थ ने बनवाई उस पर जो दिल्ली में कुतुबुद्दीन एबक आया उसे तुड़वाकर वहां ढाई दिन का झोंपड़ा मस्जिद बनवा दी तो किस कहा बनवाई जो अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला थी उसी को तुड़वाकर ढाई दिन का झोंपड़ा मस्जिद बना दी विग्रहराज ने देखो दोस्तों वेरी इंपोर्टेंट फैक्ट बीसलपुर बसाकर बीसलपुर झील बनाई ठीक है तो निम्न में बीसलपुर झील है उसका निर्माता कौन सा चौहान शासक है तो विग्रहराज चतुर्थ है एंड वेरी इंपोर्टेंट फैक्ट आई है अच्छे से आप याद कर लेना विग्रहराज चतुर्थ के मूल्यांकन में डॉक्टर दशरथ शर्मा लिखते हैं कि उसकी मेहता निर्विवाद है क्योंकि एक सेनाध्यक्ष के साथ साथ एक विजेता साहित्य का संरक्षक अच्छा कवि और जान बुझ सूझ वाला निर्माता था क्योंकि बीसलपुर झील बनवाई ना पृथ्वीराज विजय का लेखक लिखता है कि जब विग्रहराज की मृत्यु हो गई तो भी बांधव की उपाधि निरर्थक हो गई क्योंकि इस उपाधि को धारण करने की किसी में क्षमता नहीं रही थी सोमदेव तो विग्रह राज को वीरों में नहीं वन विद्वानों में भी अग्रणी मानता था ये केवल उसकी मिथ्य प्रशंसा नहीं हरी केली नाटक से उसकी योग्यता आंकी जा सकती है किल होरन ने भी उसकी विद्वता की प्रशंसा करते हुए स्वीकार किया है वह उन हिंदू शासकों में से एक व्यक्ति था जो कालिदास और भोगगुति की होड़ कर सकता था ये आ सकता है सवाल दोस्तों ऊपर वाला कोई इम्पोर्टेंट नहीं है निम्न में किसने विग्रह राज चतुर्थ की विद्वता की प्रशंसा करते हुए उसे कालिदास और भौवती से उनकी तुलना की है तो वो होगा विग्रह राज चतुर्थ किसने की किल नामक विद्वान ने की है ठीक है विग्रह राज का समय पाल दक्ष का स्वर्ण काल था अजमेर आसपास का क्षेत्र सा दक्ष था ना उसका स्वर्ण काल था ये ये हो गया दोस्तों आपका विग्रह राज चतुर्थ आप हाँ बढ़ेंगे पृथ्वीराज तृतीय पृथ्वीराज तृतीय का टाइम लाइन क्या था दोस्तों ग्यारह सौ सत्रह से सतर से ग्यारह सौ बानवे के चौहान शासकों में सबसे प्रसिद्ध थे ग्यारह वर्ष की आयु में ये पृथ्वीराज पृथ्वी शासक बन गए ग्यारह सौ बयासी में इसने सतलज नदी सतलज प्रदेश के भंडानकों को प्राप्त किया महुबा के चंदेल शासक को पराजित किया जो सतलज प्रदेश के भंडानक थे उनको साथ लेके महुबा के चंदेल शासक को पराजित किया तो सवाल आएगा आपको ये कि पृथ्वीराज तृतीय ने मोबा के चंदेल शासक को कब पराजित किया था तो ग्यारह सो बयासी याद रखना दोस्तों ग्यारह सो बयासी ईस्वी में सबसे पहले जो मोबा का चंदेल शासक था उसको परास्त किया जिसमें प्रसिद्ध वीर आला उदल लड़ते हुए मारे गए तो आला उदल कब मरते हुए जो पृथ्वीराज तृतय पृथ्वीराज तृतीय और मोबा के चंदेल शासक थे उनके बीच जब युद्ध हुआ तो जो प्रसिद्ध उदल थे आहला उदल जो चंदेल परमार सक, चंदेल जो चंदेल चंदेल परमार था उसका जयचंद स्वयंवर किस में उसकी बेटी संयोगिता का अपहरण कर उसे विवाह कर लिया त्राइन के प्रथम युद्ध दोस्तों त्राइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था ग्यारह सो इक्यानवे ग्यारह सो इक्यानवे ठीक है ये तो हुआ था आपका त्राइन का प्रथम युद्ध इसमें तो क्या है पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था किसके बीच हुआ था पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच त्राइन का प्रथम युद्ध ग्यारह में हुआ था उसमें तो पृथ्वीराज तृतीय ने क्या किया मोहम्मद गौरी को प्रास्त कर दिया पर फिर वह त्राइन का द्वितीय युद्ध ग्यारह में देखो वो गौरी को प्रास्त कर दिया मगर ग्यारह सौ बानवे में, में त्राइन की द्वितीय युद्ध में मधुरी से पराजित तो हो गया चाहुआन राज्य का पतन हो गया भारत में तुर्की शासन की नींव पड़ गई जैसे पराजित तो हुआ ये हो गया क्लियर पृथ्वीराज तृतीय वीर विधानुरागी गुणजनों का सम्मान करने वाला था पृथ्वीराज विजय का रचयिता ज्यानक पृथ्वीराज रासो का लेखक चंद्रदाई उसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे वेरी इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों कि पृथ्वीराज विजय का रचयिता वो हम पहले ही है पृथ्वीराज विजय रचयता है जयानक और पृथ्वीराज रासो ग्रंथ का प्रमुख ग्रंथ है उसका लेखक है चंद उसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे तो पृथ्वीराज में कौन सा सुमेलित नहीं है ये बोल के आपको दे देंगे पृथ्वीराज विजय जयानक पृथ्वीराज रसो चंदवरदाई ऐसे दो रचनाएं तो आपको याद रहनी चाहिए स्वयंता स्वयं कथा ये कथा के बारे में बताएं कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है फिर भी आप एक बार पढ़ाते हैं कनौज के शासक जयचंद ने राजसूय योग किया और अपनी पुत्री संयोगिता के विवाह के लिए स्वयं वर का आयोजन भी किया जिसमें पृथ्वीराज को छोड़कर कई राजा महाराजाओं को आमंत्रित किया गया था इतना ही नहीं पृथ्वीराज को अपमानित करने के लिए जयचंद ने स्वयं वर् स्थल के बाहर द्वारपाल के रूप में पृथ्वीराज की मूर्ति रख दी स्वयोगिता में पृथ्वीराज एक दूसरे को मन से चाहते थे अतः स्वयोगिता वरमाला लेकर एक एक राजा महाराजा को देखती हुई आगे बढ़ती जा रही थी पृथ्वीराज को न पाकर मन मन बड़ी दुखी थी किंतु जब वह दरवाजे तक पहुंची तो द्वारपाल के रूप में अपने प्रेमी की मूर्ति नजर आई उसने माला उस मूर्ति के गले में डाल दी उस समय तक पृथ्वीराज भी वहां पहुंच चुका था उसने स्वयंता को वहां से अपने साथ लेकर अजमेर की ओर प्रस्थान किया और चौहान सैनिकों ने गढ़वालों को उसका पीछा करने से रोका अजमेर पहुंचकर पृथ्वीराज ने स्वयंता से विवाह कर लिया इस घटना से जयचंद पृथ्वीराज की भी शत्रुता बढ़ गई जब मैंने अभी बताया था ना दोनों के बीच में युद्ध हुआ था गढ़वाल शासक जयचंद और पृथ्वीराज के बीच में इसी संयोगिता जो गढ़वाल शासक की बेटी थी संयोगिता उसको लेकर हुआ था जबी, जब ये जब गोरे के साथ पृथ्वीराज त्रायन का द्वितीय युद्ध हुआ जब जयचंद गढ़वाल शासक जो जयचंद थे उन्होंने मोहम्मद गोरे का साथ दिया था ठीक है क्लियर अब इस संयोगिता कथा की ऐतिहासिकता क्या है ये पढ़ने की जरूरत नहीं कुछ विद्वान इसे सत्य बोलते हैं जैसे जैसे टाइम निकलता गया तो इसमें अन्यविंद जो जुड़ती गई तो कथा का है वो मूल कथा क्या थी उसमें रूपांतरण धीरे धीरे होता रहा तो ये अपने काम की कोई भी चीज़ नहीं है ठीक है ऐतिहासिकता ये कुछ नहीं पढ़ना अभी पृथ्वीराज पृथ्वीराज सम्राट एक मूवी भी आ रही है दोस्तों अब पढ़ेंगे हम ये हो गया आपको साकम्बरी आप के चौहान अब पढ़ेंगे हम रणथम्बोर का चौहान बस इस वंश वतापी शासक ठीक है पृथ्वीराज तृतीय का बेटा था दोस्तों गोविंदराज ठीक है ये गोविंदराज ग्यारह सौ चौरानवे में, में जैसे ही ये अपना त्राइन का द्वितीय युद्ध ग्यारह सौ बानवे में, में ये आ गया इधर तो रणथम्बोर में चौहान शासक प्रहलादन वीर नारायण वीर नारायण का संघर्ष इलतुतमित से हुआ जिसमें उसकी मृत्यु हो गई उसके उत्तराधिकारी बाघबट ने भी दिल्ली से भेजे गए तुर्क अधिकारियों से अपने पैतृक राज्य को बचाया उसके पुत्र जयत्र सिंह ने नासुरुद्दीन द्वारा गई सेना को रणथम्बोर नहीं जीतने दिया परंतु उसे कर देने के लिए विवश किया कुछ भी इंपोर्टेंट न्यूज नहीं है खाली एक ही चीज है कि के चौहान वंश है उसका संस्थापक निम्न में कौन था तो गोविंद राज ठीक है जो पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र था गोविंद राज उसने रणथम्बोर आकर यहाँ चौहान वंश की नींव डाल दी ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों देखो रणथम्बोर का हमीर था ना वेरी इंपॉर्टेंट है इस इसमें तो लॉन्ग सवाल भी बन सकता है बारह से तेरह तक में अमीर ने अपने राज्य रोण के बाद दिग्विजय की नीति अपनाई आबू काठियावाड़, चंपा, चंपाधार आदि आसपास के जो क्षेत्र थे उनको अपनी दिनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया मेवाड़ के शासक समर सिंह को परास्त किया बारह सौ में जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर आक्रमण किया मगर उसे सफलता नहीं मिली जैसे इधर रणथंबोर या वहां दिल्ली सल्तनत में खिलजी का था तो खिलजी में जो रणथंबोर खिलजी थे, उनके थे, हमीर। तो खिलजी, जो थे खिलजी, ये खिलजी अमीर के समकालीन थे तो जलालुद्दीन खिलजी ने कब आक्रमण किया था रणथम्बोर पर बारह सो इक्यानवे ईस्वी में, में। परंतु सफलता नहीं मिली हमीर द्वारा फिर क्या है मंगोल विद्रोही थे ये मूल कारण था मंगोल विद्रोह कौन थे कौन थे मोहम्मद साहेक की हबरू याद रखना मोहम्मद साहेक के अब्रू इनको दी थी शरण ये अलाउद्दीन जलालुद्दीन खिलजी के बाद दिल्ली में आया अलाउद्दीन खिलजी तो ये अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का मुख्य कारण बना क्योंकि हमीर ने मंगोल विद्रोहियों को शरण दी तो शरण देने से दिल्ली का जो सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी उसने अमीर से नाराज़ हो गया अमीर ने जब विद्रोहियों को लौटाने से इनकार कर दिया तब बारह सौ निन्यानवे ईस्वी में उसे खिलजी के आक्रमण का सामना करना पड़ा मगर तुर्क सेना को उसने पराजित कर दिया तो कुछ नहीं हुआ पराजित कर दिया डेट याद रखनी है दोस्तों में अलाउद्दीन स्वयं सेना लेकर रणथम्बोर आया ठीक है मगर जब युद्ध में उसे सफलता नहीं मिली तो उसने छल कपट का सहारा दिया सहारा लिया अलाउद्दीन ने अमीर के सेना नायक रणमल और रतिपाल ये दोनों नाम याद रखना दोस्तों ये सेना नायक थे हमीर हाँ, के इनको अपना लालच दे अपनी ओर मिला लिया इनके विश्वासघात के कारण किले पर तुर्कों का अधिकार हो गया कौन सा किला रणथंबोर के किले पर ठीक है अमीर लड़ता हुआ मारा किले में अमीर की पत्नी रंगा देवी के नेतृत्व में महिलाओं ने जोहर किया ये राजस्थान का पहला जोहर था दोस्तों जो तेरह ईस्वी में जब रणथम्बोर पर किसका आक्रमण हुआ था दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी का दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी तेरह सौ एक में उसका विजयी अभियान चल रहा था जिसमें वो सब पर अधिकार कर रहा था उसका कारण जो बताया गया है वो ये है कि अमीर द्वारा जो मंगोल विद्रोही थे जो दिल्ली सल्तनत के उनको शरण दी इस वजह से उसने आक्रमण किया और अमीर की पत्नी रंगा देवी के नेतृत्व में महिलाओं ने जौहर किया ठीक है हमीर वीर उदार एवं शरणागत की रक्षा करने वाला शासक था नयनचंद्र सूरी के हमीर महाकाव्य दोस्तों याद करो इनको पक्का नयनचंद्र सूरी का हमीर महाकाव्य तो हमीर महाकाव्य किसकी रचना है महाकाव्य है नयनचंद्र सूरी की रचना है ठीक है, है। जोधराज का हमीर रासो सू किस किसकी रचना है दोस्तों ये एकदम पक्की याद होनी चाहिए आपको जोधराज हमीर जोधराज की है और हमीर माँ का भी नियन चंद्र सूरी की है देखो ये जोधराज के हमीर रासू चंद्रशेखर का हमीर हट निम्न में हमीर हट के रचयता कौन से लेखक है तो चंद्रशेखर तो हमीर अटके के रचयता हमीर हट के रचयता चंद्र ठीक है अमीर के सौर्य की जानकारी मिलती है आज भी जनमानस में अमीर के लिए ये दोहा प्रसिद्ध है ठीक है जो भी दोहा हम आगे बढ़ेंगे तो याद रखना इसमें यह है अलाउद आमिर रणथम्बोर के चौहानों में सिर्फ ये याद रखना है कि रणथम्बोर के चौहान वंश की स्थापना निम्न में किसके द्वारा की गई तो गोविंद राज के द्वारा और अमीर है जो उसके बाद शासक बना तो अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर कब आक्रमण किया 1301 सौ ईस्वी में उस समय रणथंबोर का शासक निम्न में कौन सा था तो हमीर थे उसका कारण क्या था तो मंगोल विद्रोहियों को अमीर जो मामल साहेब की थे उनको शरण दी जानी और राजस्थान का पहला शाखा कब हुआ रणथम्बोर में हुआ और कहाँ हुआ कब हुआ तेरह में हुआ ठीक है क्लियर और ये याद रखनी है हमीर महाकाव्य के रचयता नियन चंद्र सूरी अमीर राशो के रचयिता जोधराज हमीर हट के रचयिता चंद्रशेखर जिन्होंने अमीर की प्रशंसा की है ये आ, ये देख लेना आप लोग ठीक है अब पढ़ते हैं जालोर के चौहान जालोर का चौहान के प्रतापी शासक देखो हमने अजमेर के चौहान पढ़ लिए। साकंबरी के बोल लो आपसे साकम्बरी और रणथंबोर के चौहान देख लिए हमने अब हम पढ़ेंगे जालोर के चौहान ये थे चौहान तीन जगह इनके पढ़ेंगे जालोर मध्यकालीन इतिहास में अपना एक विशेष स्थान रखता है दिल्ली से गुजरात मालवा जाने वाले मार्ग पर जालोर पर अधिकार स्थापित करना दिल्ली के प्रत्येक शासक के लिए एक आवश्यक कार्य था था इसका मेन रीजन यही था, दोस्तों कि दिल्ली दिल्ली और गुजरात गुजरात जाने वाला जो दिल्ली से गुजरात मालवा जाने वाले जो मार्ग था उस पर था तो इसका एक सामरिक महत्व था ठीक है दिल्ली सल्तनत हमको पता है बारह से पंद्रह तक का टाइम है है समय जालोर पर चौहानों का अधिकार था जालोर के चौहान वंश का संस्थापक था दोस्तों कीर्तिपाल तो जालोर जालौर जालोर के चौहान वंश का संस्थापक संस्थापक कौन था कीर्तिपाल एक शब्द है बस कीर्तिपाल ठीक है जिसने ग्यारह सो इक्यासी में इस राजवंश की नींव डाली थी तो कब स्थापना की थी ग्यारह सो इक्यासी ईस्वी में तो जो जालोर के चौहान वंश का संस्थापक निम्न में से कौन है तो वो है आपका कीर्तिपाल और इसकी स्थापना कब की गई ग्यारह सौ क्लियर अब जालोर का एक ही चौहान शासक था दोस्तों जो वेरी इंपॉर्टेंट था वो था कानड़ क्योंकि इसका इसके टाइम जो अलाउद्दीन खिलजी का विजय अभियान चल रहा था तो रणथम्बोर पर अधिकार कर लिया तेरह में तो आगे चलते चलते अब जालोर की तरफ जाएगा वो तो कानड़ देव जालोर के चौहान शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली था अलाउद्दीन खिलजी की सेना के गुजरात आक्रमण के समय रास्ता देने को लेकर खिलजी के मध्य हुआ विवाद 1305 में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने सेना नायक एनुल मुलुक मुल्तानी बहुत बड़ा नाम है एनुल मुलुक मुल्तानी को सेना से जालोर भेजा वह कानड़देव को समझा बुझाकर दिल्ली ले आया दिल्ली दरबार का माहौल देखकर कान्नड़ेव के स्वाभिमान के विरुद्ध था वहां ले तो आया दिल्ली पर वहाँ कानड़देव को कुछ पसंद नहीं आया कानरदेव देव दिल्ली दरबार से चलाया जिसके बाद कानड़ देव अलाउद्दीन का के बीच संघर्ष हुआ नैन युद्ध का कारण कानरदेव के पुत्र थे द्वारा सुल्तान की पुत्री थी फिरोज़ा उसके से विवाह करने से इनकार करना बताया गया हो सकता है ये सवाल आ जाए कि निम्न में किसने भी कान्नड़ेव है जो ये जालोर का शासक था तो अलाउद्दीन खिलजी के जालोर आक्रमण का कारण निम्न में क्या बताया है ये वीरमदेव है जो कान्नर देव का पुत्र उसके द्वारा सुल्तान की पुत्री फिरोजा से विवाह करने से इनकार करना बताया ये किसने बताया तो मोहन सिंह ने बताया दोस्तों ठीक है याद रखना इसको फिर 1308 सो ईस्वी में सुल्तान ने जालोर के शक्तिशाली के लिए सीवाना पर अधिकार कर लिया सीवाना के दूर पर कब अधिकार किया अलाउद्दीन खिलजी ने सीवाना दूर पर तेरह सो आठ ईस्वी ठीक है तेरह सो आठ ईस्वी में सीवाना पर अधिकार कर लिया और इस सीवाना का नाम रख दिया दोस्तों खेराबाद याद रखना ये कौन से दुर्ग का नाम खेराबाद रखा खेरा बाद तो ये सीवाना दुर्ग का ओके कमालुद्दीन गुर को वहां का प्रतिनिधि नियुक्त किया ये भी सवाल आ सकता है कि जीवाना दुर्ग पर अधिकार करके अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग का का जो प्रशासक था वो किसे नियुक्त किया तो कमालुद्दीन गुरु को नियुक्त किया ओके तेरह सौ ग्यारह ईस्वी में अलाउद्दीन ने दहिया सरकार बिक्का के विश्वासघात का के कारण दुर्ग पर अलाउद्दीन का अधिकार हो गया जालोर पर घेरा डाल दिया सुल्तान को सफलता नहीं मिली तो कानड़देव के थे दहिया सरदार बिक्का उसके विश्वासघात का के कारण दुर्ग पर अलाउद्दीन का अधिकार हो गया कानरड़देव लड़ता मारा गया किले के मेला उन्हें जोहर किया तो कब हुआ था पहले ये देखो ये ध्यान दो जालोर के किले पर अधिकार कब हुआ तेरह सौ ग्यारह ये सन याद रखना तेरह सौ ग्यारह में तो कर दिया जालोर पर तेरह आठ में सिवाना दुर्ग पर अधिकार कर लिया इसका नाम तो सिवाना का तो खेराबाद कर दिया पर इसका जो जालोर था उसका नाम रख दिया दोस्तों जलालाबाद जालोर दुर्ग का क्या नाम रखा जलालाबाद ठीक है ये हो गया बस इतना ही था ये थे आपके जालोर के चौहान जो हमने अच्छे से पढ़ लिया चलते हैं आगे अगला है दोस्तों आमेर, अब चौहान वंश तो अपना हो गया पूरा अगला है आमेर का कछवा इस वंश के प्रतापी शासक अब कछवा वंश पढ़ेंगे उनका मुगलों के साथ क्या संबंध था जो था वो सब देखेंगे कछवा अपनी उत्पत्ति राम के ज्येष्ठ पुत्र कुश से मानते हैं जब कछुआ ठीक है सूर्यमल मिश्रण के अनुसार कुरुम नामक रघुवंशी शासक की संतति होने से ये कुरुम वंश कहलाने लगे तो कुरुम वंशीय किस ने बोला है कछुआओं को निम्न में किस विद्वान ने या कवि ने कुरुम वंशीय बोला है क्योंकि रघुवंशी जो कुरुम नामक रघुवंशी शासक की संतति थी तो ये था दोस्तों आपका सूर्यमल सूर्यमल मिश्रण जो बूंदी के प्रसिद्ध राजकवि थे

ढूंढाड जो कछुआ है उन्होंने मीणाओं और बड़ गुजरों को पराजित करके जो ढूंढाड़ या आसपास का क्षेत्र है यहाँ वहां कछुआ नींव डाली थी या स्थापना की थी ठीक है इसकी प्रथम राजधानी थी दोस्तों कछवा प्रारंभ में चौहानों के सामंत थे देखो ये सवाल आएगा कि कछुआ आरंभ में किसके सामंत थे कछुआ सामंत थे चौहानों किस के किसके थे तो चौहान 1137 में याद रखना बिल्कुल एकदम क्लियर 1137 सौ सैंतीस ईस्वी में दुल्हे राय ने जो बड़गुजरा और मीणा मैंने कहा ना बड़गुजरों और मीणा को पराजित करके ढूंढाड़ आसपास के प्रदेश पर अधिकार किया तो 1137 में दुल्हे राय ने बड़गुजरों को परास्त कर ढूंढाड़ में नवीन राज्य की स्थापना की थी तो निम्न में किसने बड़गुजरों को परास्त कर ढूंढाड़ में नवीन राज्य की स्थापना की तो याद रखना दोस्तों दुल्हे राय ने ठीक है दुल्हे राय ने बड़ गुजरों को परास्त कर ढूँढाड़ में नवीन राज्य की स्थापना की या राय ने बड़ गुजरों को परास्त कर ढूँढाड़ में नवीन राज्य की स्थापना कब की तो याद रखना दोस्तों ग्यारह सौ सैंतीस ईस्वी में यह सन याद रखना आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है फैक्ट बहुत अच्छे है दुल्हे राय ने जमुआ रामगढ़ में मीणाओं को परास्त कर अपनी राजधानी बनाया तो से मीना हो कोई भी वासको दुल्हेराय ने प्रास्त कर दिया कहलाते आमेर, तो आमेर के कछवा तो निम्न में, में किस कछवा शासक ने आमेर को अपनी राजधानी बनाया तो ये बनाया था दोस्तों कोकिल देव ने और किसको को परास्त करके मीणाओं को परास्त करके यहां मीणाओं को परास्त किया था ठीक है दुल्हे राय ने बड़गुजरों को परास्त किया था और जो कोकिल देव है इसने मीनाओं को परास्त करके आमेर को अपनी राजधानी बनाया था और कब बनाया था 1207 बारह सो सात में।, सो तो। सा में किसने? कोकिल देव ने कोकिल देव ने किसको परास्त कर मीनाओं को परास्त कर मीनाओं को परास्त कर किसको आमेर को अपनी राजधानी बनाया आमेर को राजधानी बनाना ये याद रखना है। ओके अब चलते हैं आगे ये तो हो गया स्टार्टिंग के फैक्ट अब चलते हैं बारमल जो कस्बा का शासक था बारमल पंद्रह से पंद्रह सौ तिहत्तर की टाइमलाइन है बारमल बहुत ही कठिन परिस्थितियों में आमिया का शासक बना अपनी सत्ता के लिए उसने मजबूत सहारे की आवश्यकता थी यह मजबूत सहारा उसे मुगल शासक अकबर के रूप में मिला दोस्तों जब तो हम पढ़ते हैं ना कछुआ है शासक है, है उनका मुगलों से क्या संबंध है? तो तो है दोस्तों कि निम्न में किस कछवा शासक ने या किस राजपूत शासक ने सर्वप्रथम मुगलों की दीनता स्वीकार की अगर वंश आ जाए तो राजपूतों में होगा कछवा वंश और अगर शासक पूछ ले आपसे तो वो शासक होगा बारमल और किसके दिन स्वीकार की अकबर की ठीक है तीनों फैक्ट याद यादोगे अकबर जनवरी 1562 में अजमेर की यात्रा पर आया अजमेर से लौटते समय सांबर में भारमल ने 1562 ईस्वी में अपनी पुत्री हरकाबाई जिसे कालांतर में मरियम उजमानी नाम से जाना गया का विवाह अकबर के साथ किया तो शुरू प्रथम अकबर मुगलों की दिनता स्वीकार करने वाला वंश राजपूत वंश कौन सा था तो वो हो गया दोस्तों कछवाहा वंश शासक पूछ ले तो वो हो गया भारमल कब की अगर ये कब आ जाए आपका तो 1562 ईस्वी याद रखना बिल्कुल 1562 ईस्वी में और अपनी बेटी है उसका नाम क्या था <coughs> अपनी पुत्री हरखाबाई जिसे कालांतर में मरियम उजमानी कहा जाता है तो किसका विवाह अकबर के साथ किया था बारमल ने मरियम उजमानी बोल दो या हरखाबाई उसका विवाह अकबर के साथ किया जहांगीर इसी का पुत्र था दोसो। में, में ही अपने पुत्र, भगवान दास और पोत्र मानसिंह सहित अकबर की दीनता स्वीकार कर ली क्लियर तो बारमल वेरी इंपॉर्टेंट है इसमें से जो सवाल फैक्ट बन सकते थे हमने डिस्कस कर लिए आगे चलते इसका बेटा आ गया फिर भगवान दास पंद्रह से पंद्रह भगवान दास पंद्रह सौ तिरहत्तर में आमेर की गद्दी पर बैठा इसने सरनल के युद्ध में अपनी वीरता का परिचय दिया सात वर्ष तक पंजाब का सूबेदार रहा पंद्रह सौ पिछासी में अपनी पुत्री मानबाई के बाद जहांगीर के साथ किया वेरी इंपोर्टेंट फैक्ट आ गया दोस्तों पंद्रह सो पचासी भगवान दास ने अपनी पुत्री का विवाह जहांगीर के साथ किया निम्न में कौन थी वो थी दोस्तों मानबाई इसका विवाह कर दिया जहांगीर के साथ खुशरो मानबाई और जो खुशरो

कि के टाइम से ही भगवान दास और वो जो अकबर है उसकी सेवा में चले गए थे बीच में दोस्तों लाइट चली गई थी है ना गुजरात अभियान के दौरान पंद्रह महाराणा प्रताप के पास संधि का दूसरा ले, प्रस्ताव प्रस्ताव लेकर आया था हमने जब महाराणा प्रताप पढ़ा था जब हमने पढ़ा था ना मानसिंह भी आया था जो महाराणा प्रताप से संधि प्रस्ताव लेकर आया पंद्रह में हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व किया था तो ये देखना कि गुजरात बयान कब किया था मान सिंह के नेतृत्व में पंद्रह सो ईस्वी में किया था और पंद्रह में हल्दी घाटी युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व किया

ओके okay? uh, सात हजार का मनसब दिया सात हजार का मनसब निम्न में किसको दिया मानसिंह को ये छोटे छोटे फैक्ट है पर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो याद रहने चाहिए अकबर ने निम्न में किस राजपूत शासक को फरजंद की उपाधि दी तो आपको याद रहना चाहिए मानसिंह को सात हजार का मनसब दिया तो वो दिया था दोस्तों मानसिंह को पंद्रह ईस्वी में बिहार का सूबेदार नियुक्त किया तो निम्न अकबर ने मान सिंह को कब बिहार का सुविधा नियुक्त किया तो याद रखना पंद्रह सो नवासी ईस्वी क्यों ये मिला ना आ सकते हैं पंद्रह सो नवासी में कहा तो आपको पता होना चाहिए बिहार इसके पिता भगवान दास की मृत्यु हो गई तो पंद्रह सो नवासी में आमिर का शासक बना और मानसिंह ने पंद्रह सो बानवे में, में उड़ीसा जीतकर पहली बार मुगल साम्राज्य का अंग बनाया तो उड़ीसा जीतकर तो मान सिंह ने उड़ीसा विजय निम्न में किस सन में की थी तो पंद्रह सो बारानवे ईस्वी में याद रखना दोस्तों पंद्रह सो बानवे में, में उड़ीसा जीती थी ठीक है

मानसिंह की समय रानी कंकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में जगत सिरोमणी मंदिर का निर्माण करवाया देखते थी पंद्रह सो में उड़ीसा विजय कब की थी मानसिंह ने पंद्रह सो बानवे याद रखना और पहली बार उसे मुगल साम्राज्य का अंग बनाया मानसिंह की मृत्यु कब हुई सोलह चौदह ईस्वी में कहा हुई दोस्तों इलीचपुर में ओके okay. अब देखो मानचरित्र महाराजा कोश नामक ग्रंथ इसके समय में रचे गए थे मानचरित्र महाराजा कोश किसकेरारी मान सिंह ने मान प्रकाश मान प्रकाश के रचयिता कौन है दोस्तों मुरारीदान और मान सिंह कीर्ति मुक्तावली के रचयिता कौन है दोस्तों जगन्नाथ याद रखना पक्का रानी और उसके समय कंकावती ने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में जगत शिरोमणि मंदिर जगत शिरोमणि मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया था तो रानी कंकावती ने रानी ककावती ने यह सवाल आ सकता है भी है। कि निम्न में किसने जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया तो रानी ककावती ठीक है ये याद रखना अब आ गया दोस्तों मिर्जा राजा जय सिंह आज मिर्जा राजा जयसिंह पढ़ लेते सोलह सौ सड़सठ सौ इक्कीस देखो जहांगीर साहेजा औरंगजेब तो तीन मुगल सम्राटों की सेवा में रहने वाला जो शासक था वो कौन था मिर्जा राजा जय सिंह था सोलह सो, सो तेईस में इसे मलिकम्बर के विरुद्ध दक्षिण में भेजा गया तो किसके विरुद्ध दक्षिण अभियान पर भेजा गया मिर्जा राजा जयसिंह को निम्न में किसके विरुद्ध दक्षिणी बयान पर भेजा गया तो मलिक अंबर के विरुद्ध दक्षिणी बयान पर मिर्जा राजा सिंह को भेजा और कब भेजा गया दोस्तों सोलह ईस्वी में ठीक है जहां इसने अद्भुत साहस और वीरता का परिचय दिया सोलह ईस्वी में दक्षिणी बयान तो तेईस में करके आ गया उन्तीस में उत्तर पश्चिमी सीमांत में उज्बेगो के विद्रोह को दबाया तो मिर्जा राजा जयसिंह ने उत्तर पश्चिमी सीमा में, में उज्बेकों के विद्रोह को कब दबाया तो आपको याद होना चाहिए सोलह सो ईस्वी सोलह में जयसिंह ने खाने जालोदी के विद्रोह को दबाया 1630 में ठीक है यह सोलह में शाहजहां साथ बीजापुर गोलकुंडा बयान पर दक्षिणी भारत गया था कब गया था सोलह ईस्वी में किसके साथ शाहजहां के साथ, साथ गोलकुंडा बयान पर सोलह में जय को मिर्जा राजा की पदवी देकर सूजा के साथ कंधार भेजा गया मिर्जा राजा की पदवी दी और सोलह में कंधार भेजा उत्तराधिकार युद्ध के समय सूजा के विरुद्ध भेजा गया जहां बुरानपुर बहादुरपुर का युद्ध हुआ था दोस्तों सौ सोलह सौ में इसने सूजा को पराजित किया था तो कौन थे मिर्जा राजा जय सिंह थे जिन्होंने बहादुरपुर के युद्ध में जो हुआ था सोलह में सूजा को पराजित किया था ठीक है उत्तराधिकार युद्ध के अंत में इसने औरंगजेब का पक्ष लिया मिर्जा राजा जय सिंह है उन्होंने तो जो आमिर के कछुआ शासक थे उन्होंने तो औरंगजेब का साथ दिया था और कल हमने पढ़ा था मारवाड़ के जसवंत सिंह थे उन्होंने दारा का साथ दिया था ठीक है फिर इन्हीं की मध्यस्थता में उन दोनों के बीच औरंगजेब और जो मारवाड़ शासक जसवंत सिंह प्रथम उनके बीच जो मनमोटा हुआ वो दूर हुआ था ठीक है उत्तराधिकार युद्ध में औरंगजेब का पक्ष लिया जय सिंह की सैनिक सहायता कूटनीति से प्राय तो औरंगजेब ने दक्षिण में मराठों के विरुद्ध भेजा मराठा अभियान पे भेजा ठीक है दक्षिण में जय सिंह ने अपनी कूटनीति से शिवाजी को अकेला कर दिया था वृत्त के घेर लेंगे जय सिंह की कुशलता है कि महान जीवा 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 रोकने में सफल रहा जिसने अफजल खान जैसे सेना नाइक को पराजित किया था किसने शिवाजी ने ओके अंत में शिवाजी जय सिंह के मध्य संधि होगी दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट सवाल जो इसमें आया है वो यही है बस शिवाजी और जय सिंह के मध्य संधि हुई कौन सी संधि दोस्तों पुरंदर की संधि कब हुई सोलह में पुरंदर की संधि जयसिंह की दूरदर्शिता शक्ति की प्राकाष्ठा थी वह अनेक भाषाओं का ज्ञाता था बस यहीं तक ये यह पहले पढ़ते हैं पुरंदर की संधि कब हुई तो आप सबको पता होना चाहिए दोस्तों सोलह सो पैंसठ ईस्वी में किस किस के बीच मिर्जा राजा जयसिंह और मराठा शासक शिवाजी के बीच ओके, ये याद रखना अनेक भाषाओं का ज्ञाता विद्वानों का सम्मान करने वाला था प्रसिद्ध कवि वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट बिहारी वह अपना आश्रयदाता था तो हिंदी का प्रसिद्ध कवि बिहारी निम्न में किसके दरबारी कवि थे या दरबार में थे तो आमेर के जो कछवा शासक थे मिर्जा राजा जयसिंह उनके दरबारी कवि थे क्लियर बिहारी ने सबको बताया बिहारी सत्सई नामक ग्रंथ की रचना की थी बिहारी सत्सई के रचयिता निम्न में कौन से थे हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे बिहारी तो बिहारी सत्सई की रचना किसने की बिहारी ने की और कवि बिहारी थे उनके आश्रयदाता कौन थे मिर्जा राजा जय सिंह थे ठीक है चलो दोस्तों स्वाई जय सिंह आगे जो कछवा वंश के और जो भी शासक है उनके बारे में कम कल हम अच्छे से फिर अपनी क्लास है उनको उसको कंटिन्यू करेंगे आज के क्लास में इतना ही अगर आपको ये जो हमारा सेशन चल रहा है ये पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कीजिए आप प्लीज़ उसको शेयर भी कीजिए और यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब भी कीजिए इसके अलावा दोस्तों पहला अकेडमी है जो ऐप है उस पर जो आर एस प्रिलियम्स हैं उसके पांच टेस्ट आपके ऑलरेडी हो चुके हैं और फर्स्ट ग्रेड के जो जीएस प्लस जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है उसकी टेस्ट सीरीज़ भी चल रही है आर एस फाउंडेशन भी चल रहा है उसमें हिस्ट्री और पॉलिटिक की क्लासें आपके लिए चल रही है आर एस फोर्थ पेपर है वो सर दिल जो दीपक सर है वो करवा रहे हैं तो वो आप अगर करना है तो पहल अकेडमी जो ऐप है उसको आपको डाउनलोड करना होगा वहाँ आप बेस्ट एजुकेटर से अपनी प्रिपेशन है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं चलो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही कल फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ थैंक यू